आकांक्षा दुबे की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। कार से कमरे तक पहुंचने के बीच आखिर क्या क्या हुआ था उस रात को? जी हाँ, उसी रात का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें देर रात करीब 1:30 बजे आकांक्षा कार से उतरकर होटल की तरफ बढ़ती देखी जा सकती हैं। ये वीडियो पूरे 4:40 का है। इस फुटेज में आकांक्षा दुबे कार से एक शख्स के साथ उतरती हैं और होटल के अंदर जाती दिख रही हैं। इसके बाद वो सीढ़ियों पर दिखती हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद आकांक्षा दुबे गैलरी में रुकती हैं और फिर बैग में कुछ ढूंढती देखी जा सकती हैं। और बीच बीच में वो शख्स भी उनकी मदद करता दिख रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ढूंढने में परेशान है जो उन्हें मिल नहीं रहा। और फिर वो कमरे की तरफ बढ़ती हैं। वो शख्स भी उनके पीछे पीछे चलता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस वीडियो से पुलिस को आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी सुलझाने में मदद मिल सकती है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही सामने आया लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें, आकांक्षा दुबे आखिरी बार इसी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज मौत की इस गुत्थी को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। आकांक्षा दुबे की मां की शिकायत के आधार पर भोजपुरी गायक और एक्टर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ 306 धारा के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है।